Hello everyone, welcome to Business 360's live classes for Accountancy Class 11. Class 11 Accountancy में हमने अपना chapter शुरू किया है depreciation. और depreciation एक important chapter है जिससे आपका 6 to 8 marks के question जो है वो पूछे जा सकते हैं in your final examination. Okay? And the half year fees. तो depreciation इसलिए बहुत ही important chapter हो जाता है और साथ ही साथ आपके internal exams के संग संग जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ऑफ द वेरियस कोर्सेज उसमें भी डेप्रिसिएशन से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इनफैक्ट इन ऑल्सो द ओलंपियाड्स. तो इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है. थैंक यू सर. ओके, सो कमिंग बैक टू द चैप्टर डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन में हमने पिछले अपने क्लास में पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, किस टाइप ऑफ असेट्स पे लगता है, कि फिक्स टेंजिबल असेट्स पे लगता है, इनटेंजिबल असेट्स पे हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं. इनटेंजिबल असेट्स को जब हम राइट ऑफ करते हैं तो उसको एमोर्टाइजेशन कहते हैं, ना कि डेप्रिसिएशन कहते हैं. ठीक है, डेप्रिसिएशन जो होता है दैट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स. फिर हमने कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ा था कि कौन कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन जो है वो होता है असेट्स का. फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स के हम डेप्रिसिएशन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या रीजन है जो उस डेप्रिसिएशन के पीछे होते हैं, किन किन वजहों से डेप्रिसिएशन होता है. फिर हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस इसके बारे में भी कर लिए थे कि व्हाट इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन लगाने के पीछे हमारा मकसद क्या होता है, क्यों जरूरी है डेप्रिसिएशन लगाना. ठीक है, और फिर डेप्रिसिएशन का हमने स्पेसिफिक फीचर्स भी पढ़े थे कि भाई एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है और परमानेंट नेचर का होता है. इट लीड्स टू फॉल इन द प्राइस एंड एज वेल एज द एफिशिएंसी एंड दैट इज द परमानेंट फॉल. ठीक है, तो ये सब चीजें हमने अपने पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. ठीक है, वन मिनट. गुड इवनिंग दिया, वेलकम टू द क्लास. सो दिया, हाउ आर यू? How are you, Diya? You're good? Okay. I'm good too. So, any updates on your exam results? Did you get your paper? Did you get your accounts paper? Okay. No issues. Achha, do you have any upcoming tests in the month of October? Any upcoming tests? In the school. विजडम में तो यू आर ऑलरेडी हैविंग सो मेनी टेस्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल. डू यू हैव एनी अपकमिंग टेस्ट एट स्कूल? ऑलराइट. सो इन स्कूल ऑल्सो यू हैव स्टार्टेड विद डेप्रिसिएशन और सम अदर चैप्टर. Depreciation. Okay. So apart from depreciation, one chapter we have covered is provision and reserves. ठीक है, तो depreciation हम लोगों ने जो शुरू किया है, तो I hope जो पिछले क्लास में हमने points discuss करे थे वो सारे points clear हैं.
एनी डाउट्स इन दोज पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास? Any doubts? आज के क्लास में हम लोग, जैसा कि मैंने अभी बताया, हम शुरू करने वाले हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कौन कौन सी चीजों पर एक मशीन पे लगने वाला डेप्रिसिएशन जो है वो डिपेंड करता है, मशीन या कोई भी फिक्स्ड एसेट पर लगने वाला डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो लग रहा है फिक्स्ड एसेट पर, उसका अमाउंट कितना होगा, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे तीन फैक्टर्स होते हैं इम्पोर्टेंट। एक होता है टोटल कॉस्ट ऑफ द असेट, यानी आपने जो असेट जिस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है वो कितने का खरीदा। दूसरा एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन असेट। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन असेट मतलब जब भी हम कोई असेट खरीद रहे हैं। गुड इवनिंग निशिका, वेलकम टू द क्लास। हाउ आर यू निशिका? So yes, I was telling about the factors determining. I'm good. How are you? Am I not getting some messages? Just a moment, let me check. I think I'm not getting some of your messages. Okay, anyways, factors determining amount of depreciation में पहला है total cost of the asset, यानी आपने asset कितने का खरीदा। दूसरा है estimated life of an asset। estimated life of an asset का मतलब होता है कि जब हम कोई asset खरीद रहे हैं तो हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि ये asset इतने time चलेगा। जैसे मोबाइल फोन के लिए आप क्या लगा लेते हो, एक साल चलेगा, है ना? या फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे होता है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, ठीक है, आई डोंट नो एनी ऑफ योर बर्थडे, सो आई एम अज्यूमिंग फॉर एग्जाम्पल योर बर्थडे इज इन मे एंड यू बाय अ मोबाइल इन अक्टूबर, सो यू आर अज्यूमिंग अच्छा अभी तो अक्टूबर में मैंने ले लिया ये मोबाइल, अभी मई में तो बर्थडे आने वाला है तो फिर मैं नया मोबाइल लूंगी। सो वॉट यू आर डूइंग इज यू आर एस्टिमेटिंग द लाइफ ऑफ योर मोबाइल टू बी अ फ्यू मंथ्स। सिमिलरली अ बिजनेस मैन
जब वो कोई असेट खरीदता है, कोई मशीनरी खरीदता है, तो वो एस्टिमेट करके चलता है कि ये मशीनरी या ये असेट इतने टाइम चलेगा, ठीक है, से 10 इयर्स 15 इयर्स, मतलब डिपेंड्स। हम क्योंकि फिक्स असेट्स की बात कर रहे हैं, फिक्स टेंजिबल असेट्स की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रन टिल द लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन असेट, अच्छा ये अगेन ध्यान रखो कि यहाँ पे हम एस्टिमेटेड लाइफ की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट लाइफ की नहीं। जैसे मान मैंने, हो सकता है जब एक मशीन खरीदी तो मैंने एस्टिमेट किया कि वो 10 साल चलेगी, अब हो सकता है वो 8 साल में ही खराब हो जाए और हो सकता है वो 10 साल के बाद भी बढ़िया चले, ठीक है। सो दिस इज द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन असेट वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी हम कितना सोचते हैं कि हमारे हिसाब से वो असेट कितने दिन चलेगा बिजनेस में। और थर्ड पॉइंट होता है या थर्ड फैक्टर जो डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो होता है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। नाउ व्हाट इज एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू? एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू होती है कि जैसे मान लो आपने एक मशीन खरीदी, हम मशीन खरीद रहे हैं, हमने वो मशीन 10 लाख की खरीदी, तो उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ द असेट हो गया 10 लाख रुपीज। हमें लगा कि वो मशीन 10 इयर्स तक हमारे बिजनेस में चलेगी। अब एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू क्या है? एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है कि 10 साल के बाद, ठीक है, यानी उसकी एस्टिमेटेड, उस मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ पूरी हो जाने के बाद अगर हम उस मशीन को बेचते हैं तो वो हमें कितना पैसा दे जाएगी। स्क्रैप मतलब कबाड़ी, है ना, लास्ट वाला एकदम बेकार जब सामान हो जाता है तो आप उसे बेचते हो, है ना। तो जब कबाड़ आप बेचते हो अपने घर का, यू सेल ऑल दोज थिंग्स, यू गेट सम मनी। सो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इज दैट मनी, कि कबाड़ी वाले को अगर तुम वो मशीन बेचोगे तो वो तुम्हें कितने पैसे दे जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये 1 लाख कि जो 10 लाख की मशीन हमने खरीदी, कबाड़ी वाला हमको इसके 5,000 रुपए दे जाएगा, एस्टिमेटेड वैल्यू हो गई इसकी 5,000। क्या ये 3 पॉइंट समझ में आ रहे हैं बेटा? किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? निशिका, दिया, ठीक है। हम कह रहे हैं कि इस तीन पे डिपेंड करता है डेप्रिसिएशन, यानी अगर आपको कोई भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्पेसिफाइड नहीं है और आपसे कहा जा रहा है कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालो, तो हमेशा डेप्रिसिएशन की वैल्यू फर्स्ट ईयर ऑफ मशीन में होती है कॉस्ट ऑफ असेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन असेट। ओके, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर कैलक्यूलेटिंग डेप्रिसिएशन। तभी हमने कहा कि डेप्रिसिएशन इन तीन चीजों पर निर्भर कर रहा है, या डेप्रिसिएशन का अमाउंट इन तीन चीज पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया, इसमें हमारे डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ द असेट था, क्या आप में से कोई निकाल सकता है? पुटिंग द वैल्यूज, कैन यू आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर दिस पर्टिकुलर असेट? दिया और निशिका, प्लीज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एंड दीज वैल्यूज, कितना हो जाएगा?
फॉर्मूला में आप ये वैल्यूज जो हमने बताई थी अभी इनको पुट अप करोगे, हाउ मच विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन? एनीवन? अब तक तो कैलकुलेट हो जाना चाहिए था। देखो कॉस्ट ऑफ अ सेट कितना है, 10 लाख। माइनस करेंगे एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू हमें 5000 की दी है, अपॉन कर देंगे एस्टिमेटेड लाइफ विच इज 10 इयर्स। कैलकुलेशन करोगे कितना आ जाएगा, 10 लाख माइनस 5000 डिवाइडेड बाय 10, 99,500, यानी एक साल के डेप्रिसिएशन की वैल्यू हो गई 99,500। हर साल इस मशीन पे 99,500 का डेप्रिसिएशन लगेगा। समझ में आया? दिया, निशिका, समझ में आ गया बेटा? गुड। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन अंटिल एंड अनलेस एनी मेथड इज स्पेसिफाइड। ठीक है, बट क्या हुआ कि हर कोई बिजनेसमैन को मतलब ये बेसिक मेथड समझ तो आया, लेकिन उनके अपने अपने अलग तरीके थे, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जब डेप्रिसिएशन की बात कही गई तो कई सारे फॉर्मूलेज जो थे उसका उन्होंने कह सकते हो बात करी कि कई सारे फॉर्मूलेज हो सकते हैं डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए। ठीक है, तो इन अप्रोक्सीमेटली 8 मेथड्स आपको दिए गए जो कि आपकी बुक में है, आप उसको पढ़ भी सकते हो। मैं एक बार रीड कर देती हूँ उनके नाम। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, डिप्लीशन मेथड, मशीन आर रेट मेथड। 8 मेथड है, फिर से एक बार रीड कर रही हूं। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, डिप्लीशन मेथड एंड मशीन आर रेट मेथड। ठीक है, तो ये 8 मेथड्स आपको बोले गए कि 8 मेथड्स हो सकते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, बट आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट 2 है विच इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो हम अपने जब हम बोलेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन तो हम 2 मेथड्स पर अपने आप को कन्फाइन करेंगे विच इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, आज के क्लास में हम शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड को। सबसे आसान मेथड डेप्रिसिएशन लगाने का होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड अगर आपको समझना है तो इसको ऐसे समझ लो, एक चॉकलेट बार है इस तरह से। ठीक है,
याने के यहाँ पे दिस इज अ फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मशीनरी, ये एक मशीन है और इसके सारे ब्लॉक्स जो हैं ये स्पेसिफाई करते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हर साल सेम डेप्रिसिएशन लग रहा है, पहले भी इतना ही था, सेकेंड टाइम भी उतना ही है, थर्ड टाइम भी उतना ही है, फोर्थ टाइम भी उतना ही है। कहने का मतलब है जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, अभी हमने डेप्रिसिएशन निकाला था 99,500 का 10 इयर्स के लिए, या हमने बोला था कि एक मशीन जो जिसकी वैल्यू 10 लाख है, स्क्रैप वैल्यू 5,000 है और एस्टिमेटेड लाइफ जिसकी 10 इयर्स है, उसका डेप्रिसिएशन 99,500 का है। तो अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हम फॉलो करते हैं तो फर्स्ट ईयर भी 99,500 का डेप्रिसिएशन लगेगा, सेकेंड ईयर भी 99,500 का डेप्रिसिएशन लगेगा, थर्ड ईयर भी 99,500 का डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब सारे जितने भी ईयर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक और 10 ईयर्स है ना, तो हर साल 99,500 का डेप्रिसिएशन लगेगा उस मशीन पे। ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड का कॉन्सेप्ट कहता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट दैट एवरी ईयर सेम डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड ऑन द मशीनरी, डेप्रिसिएशन विल नॉट फ्लक्चुएट, जितनी भी लाइफ ऑफ असेट है जितने भी ईयर्स की, तो उन हर साल में उन हर ईयर में सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं कि ऑन 1 अप्रैल 2010 एजी लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर 90,000 फॉर रुपीज 90,000 एंड स्पेंट रुपीज 6,000 ऑन इट्स कैरियेज एंड रुपीज 4,000 ऑन इट्स इरेक्शन, देन ऑन द डेट ऑफ परचेज इट वॉज एस्टिमेटेड दैट the effective life of the machine, the effective life of a machine will be 10 years. And after 10 years, its scrap value will be rupees 20,000. Prepare machine account and depreciation account. हम सिर्फ मशीन अकाउंट की अभी बात करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 3 years. After providing for depreciation
ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। एंड दे आर सेइंग दैट अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है बेटा, ठीक है। ये मैं हटा देती हूँ। देखो कह रहे हैं 1 अप्रैल 2010 को जो एजी लिमिटेड है उन्होंने एक मशीन खरीदी 90,000 रुपीज की, और इस मशीन पर उन्होंने 6,000 रुपए कैरिज के स्पेंड करे और 4,000 उसके इरेक्शन के, इरेक्शन मतलब इंस्टॉलेशन एक तरह से, ठीक है। तो यानी के ये जो 6,000 और 4,000 रुपीज इस पे खर्च किए गए हैं, दीज आर द एक्सपेंसेस ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। सो दीज विल बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ मशीन, ठीक है। यानी कॉस्ट ऑफ मशीन जो है वो हो जाएगी 90,000 प्लस कैरेज के 6,000 ऑफ कैरेज एंड 4,000 ऑफ इरेक्शन, यानी के 1,00,000 हो जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन। रिमेम्बर जब हम जर्नल पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो भी एक्सपेंसेस हम किसी भी असेट के इंस्टॉलेशन पर पे करते हैं वो एक्सपेंसेस उस असेट की वैल्यू में एड हो जाते हैं। सो गोइंग बाय दैट कॉन्सेप्ट हमने इन चार्जेस को कॉस्ट ऑफ द मशीन में ऐड करके मशीन की वैल्यू निकाल ली 1,00,000, ठीक है बेटा। फिर वो कह रहे हैं कि ऑन द डेट ऑफ परचेज, यानी हम जब परचेज कर रहे हैं 1 अप्रैल 2010 को, ये माना गया कि ये जो मशीन हमने खरीदी है इसकी इफेक्टिव लाइफ 10 ईयर्स है। जो अभी हम एस्टिमेटेड लाइफ की बात कर रहे थे तो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन कितनी हो गई, 10 ईयर्स। एस्टिमेटेड लाइफ हो गई मशीन की 10 ईयर्स, और कह रहे हैं कि आफ्टर 10 ईयर्स इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 20,000। स्क्रैप वैल्यू मशीन की होगी 20,000 रुपीज, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आपको मशीन अकाउंट बनाना है 3 साल के लिए, ठीक है। आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में आप जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू फर्स्ट ईयर कैलकुलेट करोगे वही वैल्यू अपकमिंग ईयर्स में भी फॉलो होगी। अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, क्या उस फॉर्मूले से आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर दिस मशीन, यस और नो? Can we calculate the value of depreciation? Yes, we can. हमने देखा था कि depreciation होता है cost minus scrap value upon estimated life. Cost कितनी है? 1,00,000. Scrap value है 20,000. लाइफ ऑफ असेट एट 10 ईयर्स, यानी कि डेप्रिसिएशन विल बी 80,000 अपॉन 10, 8,000 रुपीज पर ईयर। स्ट्रेट लाइन या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से लगाना है इसका मतलब 8,000 का ही डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा, ठीक है।
अब इसको बनाना कैसे है, या मशीन अकाउंट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, मशीन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए अच्छे से। आपको पता है कोई भी अकाउंट होता है उसके टू एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। सिमिलरली जब हम मशीन अकाउंट बनाएंगे तो इट इज अ लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट का ही फॉर्मेट बनेगा। डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स। लेजर का फॉर्मेट आपको पता है ना, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट एंड अगेन एक कॉलम एक्स्ट्रा बन गया, कोई नहीं। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट एंड हेयर ऑल्सो डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। अब देखिए कैसे करना है, क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे और जैसे जैसे वर्किंग हो रही है वैसे वर्किंग करते जाएंगे। 1 अप्रैल को आप मशीन खरीद रहे हो, है ना। मशीन जब हम खरीदते हैं तो एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी मशीन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड आएंगे 2010 को अप्रैल 1 को हमने मशीन खरीदी है तो डेट में अप्रैल 1 2010 मशीन खरीद रहे हैं टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितने की मशीनरी खरीदी हमने, 1,00,000 रुपए की, अलग अलग नहीं लिखेंगे, 90,000, 6,000, 4,000 चाहे तो लिख सकते हैं मगर कोई जरूरत नहीं है, एक संग लिख दीजिए 1,00,000 रुपीज, ठीक है। अब और कोई चीज इसके लिए हमको लिखनी नहीं है, क्या करते हैं जिस साल हम मशीन खरीद रहे हैं अगर उसके उसके अलावा इस मशीन अकाउंट से रिलेटेड कोई चीज नहीं हुई है तो उस ईयर के एंड डेट पर आप, एंड डेट कौन सी हो जाएगी, यू आर क्लोजिंग योर बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 1 अप्रैल को आपने मशीन खरीदी है 2010, एंड डेट ऑफ दिस ईयर विल बी 2011 31 मार्च। ऑन दैट डेट वी आर गोइंग टू राइट हेयर ऑन द क्रेडिट साइड एज बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस दिन आप डेप्रिसिएशन लगाओगे जितना हमने कैलकुलेट किया 8,000 रुपीज का, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगाया हमने, फिर क्या करना है आपको पता है, आप जो भी अकाउंट्स बनाते हो, लेजर अकाउंट्स बनते हैं तो उनकी हमें बैलेंसिंग करनी होती है एंड बैलेंसिंग इज ऑल्सो डन ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। तो इस साल की लास्ट डेट यानी अगेन ऑन 31 मार्च आप बाय बैलेंस कैरेट डाउन करोगे। 1,00,000 में से 8,000 का आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, बचे 92,000 का बैलेंस आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करके ले जाओगे। यहां पे आपने 1,00,000 का टोटल लिखा एंड दिस इज द फर्स्ट ईयर्स वर्किंग। नेक्स्ट ईयर यानी 2011 अप्रैल 1 को ये बैलेंस आप ब्रॉट डाउन करोगे का। इस साल कोई और नई मशीन हमने नहीं परचेज करी है तो कोई भी चीज इधर नहीं लिखेंगे। लास्ट डेट ऑफ द ईयर यानी 2012 31 मार्च, अगेन हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन लास्ट डेट ऑफ द ईयर, ठीक है। तो अगेन डेप्रिसिएशन लगाएंगे और क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर भी हमारे डेप्रिसिएशन की वैल्यू वही रहेगी जो फर्स्ट ईयर में थी, यानी कि 8,000 रुपीज।
ठीक है। फिर अगेन आप सेकेंड ईयर का बैलेंस निकालोगे, 92,000 में से 8,000 गया, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन बचा 84,000, है ना। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन आपने किया 84,000 का। फिर इस साल को भी यानी सेकेंड ईयर में आपने बुक्स क्लोज कर दी, क्योंकि और कोई ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा है, सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाना है आपको और बैलेंस लेके जाना है। फिर टू थर्ड ईयर में यानी 2012 अप्रैल 1 आपने सेकेंड ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 84,000 रुपीज। अगेन इस ईयर के लास्ट डेट यानी 31 मार्च आपने डेप्रिसिएशन लगाया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। थर्ड ईयर भी सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा जो कि आप पिछले 2 सालों से लगा रहे हो। कहने का मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। 8,000 का डेप्रिसिएशन लगाया और कोई चीज नहीं हुई तो अगेन आपने बैलेंस कैलकुलेट किया बाय बैलेंस कैरेट डाउन, 84,000 में से 8,000 गया, बचा हमारा 76,000। यहां पे आपने क्लोज कर दिया थर्ड ईयर का अकाउंट। और देखो बेटा आपसे कितने साल का बोला गया है, बोला गया ना फॉर 3 इयर्स, सी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, 4 साल का हमने बना दिया है। तो अभी इसको हम क्लोज कैसे करेंगे, सिर्फ हमको नेक्स्ट ईयर में यानी 2014 अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 76,000, ये वाला ब्रॉट डाउन करके छोड़ देना, और 3 साल का हमारा मशीन अकाउंट जो है प्रिपेयर हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन में आपसे दे कैन आस्क यू फॉर 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स, ठीक है। तो आपको हर साल इस तरह से बनाना होगा। समझाने का मकसद बस इतना है अभी स्ट्रेट लाइन मेथड में, पहले तो आपको तरीका समझना है कि मशीन अकाउंट बनता कैसे है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है या स्पेसिफिक टू स्ट्रेट लाइन मेथड है वो ये कि स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर ऑन द मशीनरी, ठीक है। और मशीन अकाउंट जब आप बनाओगे तो आपको सबसे पहले जो मशीन खरीदी है तो उसकी खरीद को दिखाना होगा ऑन द डेबिट साइड, फिर आपको डेप्रिसिएशन दिखाना होगा जो उसपे लग रहा है पहले साल में ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। दिस लास्ट डेट ऑफ द ईयर कैन बी 31 मार्च और इट कैन बी 31 दिसंबर, जो भी क्वेश्चन में दी है उस हिसाब से, ठीक है। फिर बैलेंस आपको निकालना है, अगले साल बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, बैलेंस के बाद से फिर अगले साल डेप्रिसिएशन लगाओगे, बैलेंस कैरेट डाउन करोगे, ब्रॉट डाउन करोगे, ये सिलसिला तब तक करते रहना है जब तक के मशीन अकाउंट जीरो नहीं हो जाता है। आप देखोगे आफ्टर 10 इयर्स, हमने 10 इयर्स इसकी एस्टिमेटेड लाइफ करी है ना, तो अगर इस तरह से 10 साल का अकाउंट बनाओगे तो 10 साल के अंत में बैलेंस कुछ बचेगा ही नहीं, देयर विल बी जीरो बैलेंस, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे फॉर 3 इयर्स ही मांगा गया था तो हमने 3 इयर्स का बनाया। समझ में आया दिया, दिशा निशिका? स्ट्रेट लाइन मेथड से मशीन अकाउंट कैसे बनाना है, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, क्या ये समझ में आया कि नहीं? आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं।
इसी बेसिस पर आप जो अपना क्वेश्चन वन है डीके गोयल का वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन वन, लेट मी सी वेदर इट इज द सेम इन योर बुक्स और नॉट। On 1st April 2007, a limited company purchased a machine for 1,90,000. This question, if it is there in your book, you can practice it and prepare the machine account. अच्छा, इसी क्वेश्चन का अगर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता लगाना है तो उसका भी हमारे पास तरीका है, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता लगाना है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का सिंपल इतना फॉर्मूला है, जितना भी डेप्रिसिएशन है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया उसको अपॉन करो कॉस्ट और इंटू कर दो 100। तो देखो डेप्रिसिएशन 8,000 का हमारा आया, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट थी 1,00,000, इंटू 100 जब हम करेंगे तो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगा 8%, ठीक, 8% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आपको स्ट्रेट लाइन मेथड को अच्छे से समझ लेना है क्योंकि अभी लेवल ऑफ क्वेश्चन या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी तो ये बहुत आसान सा दिख रहा है लेकिन अगर आसान नहीं समझोगे तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम समझना मुश्किल हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ही पूछी जाती है एग्जाम में, इतना आसान क्वेश्चन नहीं देंगे, ठीक है। दिस इज टू बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, याद रखिए कि स्ट्रेट लाइन मेथड को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, ठीक है, इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड स्ट्रेट लाइन मेथड। ऑलराइट, सो दिस इज द दैट्स ऑल फॉर टुडे। Question number one from your books, please try it and if you face any problems, please do let me know and we are going to continue with the depreciation in our next class also. So, see you all in the next class. Thank you so much and don't forget to like, subscribe and share the channel and the video. Bye-bye and take care.